अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए चिकन कौरमा नहीं, चिकन कढ़ाई नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप दावत पे बनाएं बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका टेस्ट लाजवाब है। सबसे पहले हम चिकन के बड़े बड़े पीसेस के ऊपर कट लगा लेंगे, ताकि जो टेस्ट है वो अंदर तक जाए। हमने सारे पीसेस के ऊपर कट लगा लिए है। अब हम 3 टेबलस्पून भर के इसके ऊपर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। चिकन हमारा है वो 2 kg है। चिकन बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनने वाला है। आप लोग इसको दावत पे ज़रूर ट्राई करना। जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 टेबलस्पून लगा के हम इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ। 1.5 टेबलस्पून भर के लिया है रेड ग्रेस चिली का, 1 टेबलस्पून लिया है हमने ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून लिया है नमक, नमक बाद में हम कुछ ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और सारे स्पाइसेस लगा लेंगे हम, चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो मेरा स्टैंड है वो ख़राब है, इसलिए मैंने हाथ में ही अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, और अब इसको मिक्स करते हैं। मोबाइल में रख के फिर मिक्स करूँगी। इससे पहले हम चिली गार्लिक सॉस ऐड कर लेंगे, जिससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा डिलीशियस होने वाला है। और अब हमारे पास है 2 अदद लेमन, और इसका हम जूस निकालेंगे और फिर हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। इस पर हम 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून आज का जो लेमन उनका जूस बहुत कम आ रहा है, इसलिए 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। अब हाथ की मदद से इसको मिक्स करूँगी मैं। अच्छी तरह आपने मिक्स करके इसको मैरिनेट कर देना है। आप ऐसे करके भी छोड़ दें, जब गेस्ट है तब भी फौरन से रेडी कर सकते हैं। अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए, तब तक हम दूसरी तरफ चलते हैं। 1/2 कप ऑयल ले लें और इसमें खड़े मसाले ऐड करें। साबुत काली मिर्ची ली हैं 10 से 12 अदद, बड़ी इलायची ली है, 3 अदद लौंग लिए हैं, तेज़पात लिए हैं, और 1 टेबलस्पून लिया है, 1 टीस्पून लिया है हमने ज़ीरा। और इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। ये गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल 2 हमने लार्ज साइज के अनियंस लिए हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है, और इसका आपने थोड़ा हल्का सा लाइट पिंक कलर देना है। इसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, नमक ऐड करने से जो प्याज है वो जल्दी ब्राउन हो जाता है। और अब इसमें हम डाल देंगे टोमेटोज, 2 लार्ज साइज के टोमेटोज हैं, जिसको मैंने इसको भी फाइन चॉप कर लिया है। अब इसको हमने सॉफ्ट करना है। अच्छी तरह मिक्स करें और टोमेटोज को सॉफ्ट कर लें। टोमेटो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन हम मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर चुके हैं। एक हाथ में कैमरा है, इसलिए थोड़ा सही से मिक्स नहीं हो रहा। और अब इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसमें 1/2 कप दही ऐड कर देंगे। अब दही के पानी में ये जो चिकन है वो सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। जो दही के बर्तन था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन 1 कप। अगर आपके घर गैस ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इसमें 1 ग्लास या 2 ग्लास भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ग्रेवी सी बन जाए। यहाँ पे इस स्टेप पे मैंने, मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक मज़ीद ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून डाल लेंगे कसूरी मेथी, जिससे आपका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इसको रखेंगे 5 मिनट के लिए दम पे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। फ्रेश कोरिएंडर डाल देंगे, देखिए कितना लाजवाब ज़बरदस्त लग रहा है। लीजिए हमारा बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा यमी जो है दावत वाला सालन रेडी हो चुका है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।